विविधता और समावेशन की दिशा में टाटा स्टील ने उठाया है एक और मजबूत कदम। पहली बार टाटा स्टील के फायर ब्रिगेड टीम में होगी महिलाएं भी शामिल। We not only work for the company, but we are actually working for the mankind. Every time, whenever we are going for or whenever we see such kind of mock drill, we feel so proud that yes, we are somebody that we can save someone's life. ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर ये पूर्ण प्रशिक्षित 14 सदस्यीय दल अग्निशमन और आपदा नियंत्रण की चुनौतियों से लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। वर्ष 2025 तक अपने कुल कार्यबल में 25% डाइवर्स वर्कफोर्स को शामिल करना टाटा स्टील की प्राथमिकता है। ये बहुत अच्छी पहल है टाटा स्टील की। ऐसा नहीं है कि टाटा स्टील सिर्फ जेंट्स लोग के बारे में सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेडीज लोग के बारे में भी सोचा जा रहा है। ये सोच के भी हमें बहुत गर्व हो रही है। पुरुषों का ही काम था, लेकिन अभी जो है कि लेडीज को भी यहाँ लिया जा रहा है, तो समाज में भी ये सब कोई सोचेगा कि नहीं, लेडीज भी हर काम कर सकती है। सबको समान अवसर और सबके प्रति समानता के व्यवहार की नीति का ही परिणाम है कि आज शॉप फ्लोर से लेकर माइनिंग कार्यों तथा हेवी व्हीकल्स और लोकोमोटिव संचालन के साथ ही ऑपरेशन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मैं टाटा स्टील के फायर ब्रिगेड से जुड़ने जा रही हूं, और जब भी ये सोचती हूं कि मैं फायर ब्रिगेड में हूं, तो मुझ में एक अलग सा उत्साह हो जाता है कि मैं सिर्फ आग नहीं बुझाऊंगी, मैं मानवता के काम आने वाली हूं और मेरी एक अलग पहचान होगी। अभी तक पुरुष प्रधानता वाले फायर सर्विसेज क्षेत्र में महिलाओं को शामिल करना महिला सशक्तिकरण की दिशा में टाटा स्टील के संकल्पों का प्रमाण है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस।